Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please to subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about my latest video. You can have a view that I have uploaded various videos on my channel. You can also visit the playlist where I have made certain playlists like for MCQ series for paper 1. Then we have the business management and HRM separate playlist. Besides that, I have discussed the communication unit theory in detail, and like this various playlists are available for you so that it is easy for you to go and study from there. So you can go there and have a look on the playlist. You can also follow me on Unacademy. I am an educator on Unacademy. Just type my name Hina Jain and from here you can easily follow me. So this is about me. I love to teach. I am the topper of my college. So this award was given to me last week from my college, and this is my YouTube channel Learn with Hina and Telegram channel Learn with Hina. You can join it anytime. If at all you like the way I teach you, then please do dedicate me heads for the same. Now, बहुत सारे लोगों को doubts था कि मैम कैसे prepare करना है NTA NET exams के लिए, और बहुत सारे students को ये doubts भी थे. जो जैसे doubts मुझे दिए गए थे मैंने वैसे यहाँ पे note down किया है. बट सबसे पहले वरीड अबाउट हाउ टू स्टार्ट फॉर योर NTA NET एग्ज़ाम्स. तो सबसे पहले ये आपका डाउट क्लियर अप कर लेते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले टेक बोथ पेपर साइमल्टेनियसली. अब ऐसा नहीं करना है कि पेपर 2 वास्ट है तो आप आने वाले जो 3 महीने, अभी आपको खुद को पता है आज डेट हो गई है 19 मार्च और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 कॉमर्स का. मैं बोल रही हूँ 20 को होगा, 20 जून को, बट एग्ज़ाम एक्चुअली NTA NET का 15 से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, 15 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, बट हमारा कॉमर्स वाला का 20th को लास्ट पेपर होता है, इसलिए 20 को होगा, हम यही मान के चलते हैं. सो आपके पास में अभी भी 3 महीने पूरे के पूरे पड़े हैं, तो अब उन 3 महीनों को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि कॉमर्स का सिलेबस वास्ट है तो हम कॉमर्स को 2 महीने पढ़ेंगे, लास्ट के महीने में हम पेपर 1 को कर लेंगे. अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो यहाँ पे, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर आप 2 महीने कॉमर्स पढ़ते हो उसके बाद में लास्ट मंथ से पेपर 1 पढ़ के जाते हो, तो आपको एग्ज़ाम में जाके कॉमर्स का कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, आप सब भूल जाओगे. इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज़ कि अगर आप मॉर्निंग जल्दी उठते हो अराउंड 5 o'clock, तो सबसे पहले आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेके बैठना है. क्यों? क्योंकि सुबह जब आप उठते हो तो आप एकदम फ्रेश माइंडेड रहते हो, थकान सब उतरी हुई रहती है तो आप एकदम फ्रेश फील करते हो, तब आपको कॉमर्स की यूनिट कोई भी उठा लेनी चाहिए एंड उसको रीड कर लेना चाहिए या वीडियोस देखो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है. बट मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि सुबह का जो टाइम होगा वहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. अब आ जाते हैं रात को. रात को आपको करना है पेपर 1. ठीक है, अब कितना क्या टाइम डिवोट करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी, बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से करना है दोनों को कवर अप. उसके अलावा सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ इवैल्यूएशन विल हेल्प यू अ लॉट. आपको सेल्फ स्टडी भी करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है. सेल्फ इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे और सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले मान लो अगर आज आपने मेरी कोई वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है RBI के बारे में. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पूरा का पूरा सब टॉपिक अच्छे से आपके साथ में डिस्कस नहीं किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वेबसाइट के RBI की वेबसाइट पे से जाके आपको मिल सकती है. ठीक है, तो आपको वो सर्च करना है थोड़ा खुद से कि इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकती हूँ. सपोज़ के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए हैं 5 RBI के, आपको कहीं से और 1-2 ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं तो वो भी आप एडअप कर लो आपके नोट्स के अंदर. तो इस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है. उसके अलावा सेल्फ इवेल्यूएशन आप कैसे करोगे, अभी सपोज़ कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद में आप खुद को ही क्वेश्चन करोगे और खुद ही आंसर दोगे उसके. ठीक है, अगर आपको आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड, मतलब आपको चीज़ें याद हो रही है. नहीं आता है तो फिर से रिवाइज़ कर लो, फिर खुद को पूछ लो और MCQs करो सॉल्व, देखो कहाँ गलती हो रही है MCQs के अंदर, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बट ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है,
कैसी मिस्टेक कर रहे हो आप, तो वो आपको खुद से इवेल्यूएट करना है। मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चार में से आपको दो ऑप्शंस के मतलब पता है, बाकी दो के ऑप्शंस नहीं पता है, तो उन दोनों को आप आपके बुक में नोट कर लो, तभी ही मत सर्च करो क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। एट द एंड ऑफ द डे, या मान लो शाम का या दिन में ऐसा टाइम जब आपको नींद आती हो, उस टाइम पे आप वो चीज़ लेके बैठो, आपको सर्च करना है और उनके बारे में आपको आपके बुक के अंदर लिखना है। मैंने मेरे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑडियो प्रोवाइड की थी कि आपको कैसे बुक बनानी है, कैसे नोट्स लिखने हैं, क्या करना है, प्रॉपर ऑडियो के थ्रू मैंने आपको ये सब समझाया हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके भी सुन सकते हो एक बार। डेली न्यू टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, हम कोई यूनिट ले लेते हैं जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको पढ़ा दिया है फेमा के बारे में, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है फेमा के बारे में। अब आप ये सोचोगे कि चलो ठीक है, फेमा तो हो गया हमारा करके, चलो ये एक्ट एक हो गया, अभी मैं दूसरा एक्ट कौन सा है जो मैं खुद से कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ अपना ये कॉम्पिटिशन एक्ट में खुद से कवर अप कर लूँ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप खुद से कवर अप करके आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट यू नो ऑलरेडी रिवाइज इट, डोंट वेस्ट टाइम इन इट। अभी कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स करते हैं जो चीज़ें उन्हें अच्छे से आती है वही वो चीज़ दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, वही पढ़ते जाएंगे, नई चीज़ें नहीं करेंगे। मेरा खुद का छोटा भाई है, मैं उसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, वो क्या करता है, उसका अभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया है, कोई चैप्टर हो गया है, तो वो क्या करेगा मतलब मुझे आके वही देगा, बोलेगा दीदी ये ले लो मेरा, इसका टेस्ट बना दो मेरे को, मैं इसका टेस्ट देता हूँ। अब वो नई चीज़ करने को तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसका ये कंफर्ट जोन है कि उसको ये चीज़ आती है, इसके रिगार्डिंग आप मेरे को क्वेश्चन पूछ लो, मैं तो राइट ही करूँगा। हाँ मेरे को भी पता है तू ये राइट करेगा, बट जो एग्ज़ाम में दूसरी चीज़ें भी पूछी जाएगी वो तो कवर अप कर ले, तो इसलिए जो चीज़ ऑलरेडी आती है उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिवाइज कर लो टाइम से टाइम, बट वापस वापस से उसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है हमें। मेक नोट्स इन चार्ट फॉर्म, डिस्टिंग्विश फॉर्म, ट्रू एरोस एक्सेट्रा। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ का ये सब इरेज कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब ये आप कैसे करोगे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि आप पढ़ रहे हो प्रोसेस, रिसर्च का प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको नंबरिंग ना करके ऐसे एरोज़ के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। वही अगर हम बात कर रहे डिस्टिंग्विश फॉर्म में, तो कोई दो टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं कह दूँ बेसिक रिसर्च का डिफरेंस और अप्लाइड रिसर्च का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस से आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी रेदर देन अगर वो पैराग्राफ में लिखी हुई रहेगी। अगर मैं बात करूँ क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो अगर आपको पैरा में उसको रीड करना पड़े तो आपको बोर फील होगा, बहुत बोरिंग फील होगा। वही अगर मैं उसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में आपको पढ़ाऊँ कि इसमें ऐसा है, क्वालिटेटिव में हम न्यूमेरिकल नहीं दिखते हैं, क्वांटिटेटिव में हम न्यूमेरिकल इसको देखते हैं, अगर ऐसे ऐसे डिस्टिंग्विश से हम पढ़ेंगे तो वो आपके लिए और इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अभी नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करोगे, सिर्फ वही चीज़ को नोट डाउन करना है जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है और जो आप भूल जाओगे वो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। नाउ ये कुछ डाउट्स है, ठीक है, जो कि मुझे पूछे गए थे अलग अलग ग्रुप के एंड पर्सनली मैसेज आए गए थे, तो वो कुछ नो जैसे कि जैसे मैसेज आए थे मुझे वैसे ही मैंने पूरे के पूरे मैसेज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला डाउट हम ले लेते हैं, क्या सिर्फ MCQs करने से नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाईलाइटर अच्छा नहीं लग रहा है ये, चलो कोई नहीं। क्या सिर्फ नेट एग्ज़ाम्स क्लियर करने MCQs करने से आप आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर अप कर लोगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी कि आपको लगता है अगर आप MCQs की इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका नेट एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर लोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ MCQs से आप नहीं कर सकते आपका एग्ज़ाम क्लियर, उसकी वजह भी मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये रहेगी कि मेरा MCQs सॉल्व हो गया है तो एग्ज़ाम में यही टॉपिक रिपीट होते हैं। हाँ टॉपिक ज़रूर रिपीट होते हैं,
बट अगर आपने अभी के रिसेंट ट्रेंड अगर एनटीए का देखा हो तो वो इन डिटेल आपको पूछते, तो उसके लिए आपको टॉपिक के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ का एनालिसिस करके टॉपिक्स पढ़ सकते हो, बट सिर्फ एमसीक्यूज़ करके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? जी नहीं, ये आपका लक है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है? बाकी ये नामुमकिन है, ये लक हो सकता है आपका, बट ये आपका एग्ज़ाम क्लियर अप नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर बोथ द पेपर्स? सो आप बोथ द पेपर्स का आप टाइम कैसे मैनेज करोगे? प्रिपरेशन अगर आपको करनी है अच्छे से तो आपको करना ये है, अगर सपोज कि आप दिन के 4 से 5 घंटे दे रहे हो पेपर टू के लिए, ठीक है, पेपर टू के लिए अगर आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो तो आपको पेपर वन के लिए मिनिमम 2 आवर्स डेडिकेट करना है, ठीक है? 2 आवर्स आपको पेपर वन के लिए देना है। इस तरीके से आप दोनों पेपर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, मतलब कि आप दिन के मान लो करीबन 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि 7 से 8 घंटे में सिर्फ एक ही पेपर पढ़ो, आपको दोनों पेपर पढ़ना है, पेपर वन भी करना है, पेपर टू भी करना है। पेपर टू का सिलेबस वास्ट है, इसलिए यहाँ पे हम टाइम ज़्यादा डिवोट कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन ये था, मेंशन वेरियस वेबसाइट्स एंड चैनल्स फॉर एमसीक्यूज। अब देखो, चैनल्स तो आपको यूट्यूब चैनल्स बहुत मिल जाएगी, आपको जस्ट सर्च करना है टॉपिक और आपके सामने हजारों चैनल अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। वेबसाइट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, मान लो टीचिंग के ऊपर आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो बस आप लिख दो टीचिंग और आपको टीचिंग के ऊपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे उधर ही, तो वहीं से आप सॉल्व कर सकते हो। एज सच पर्टिकुलर वेबसाइट्स नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इश्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो आप टॉपिक का नाम सर्च कर सकते हो और उसके थ्रू आपको जैसे ही आप सर्च करोगे आपको दिख जाएंगे कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा आपका, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो आप ऐसी है कि वेबसाइट से कर सकते हो, इग्नू के चैनल, इग्नू का जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, जो मतलब एकदम पुराने ज़माने के प्रोफेसर्स कैसे बोलते हैं उस तरीके से बोला जाएगा, और बहुत ही स्लो मोड में रहेगा वो, बट कंटेंट उनका अच्छा रहेगा। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगी आपको, ठीक है? तो वो भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं वहाँ से भी। एमसीक्यूज आपको जहाँ जहाँ यूट्यूब पे मिलता है, उसके अलावा वेबसाइट्स पे मिलता है, ब्लॉग्स, किसी के ब्लॉग्स पे आपको मिल रहा है, या अनएकेडमी पे मिल रहे हैं, ग्रेड अप पे मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? एक बार तो ये कुछ पॉपुलर चीज़ें चैनल है या जहाँ से आप कर सकते हो, बट ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। डिडन्ट स्टार्ट इट टिल नाउ, कैन आई कवर द सिलेबस? ठीक है, ये भी एक डाउट आया था, तो अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप अब स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा? जी हाँ, हो सकता है, 3 महीने है, फुल्ली 3 महीने डेडिकेट कर दो आपकी पढ़ाई को तो ज़रूर होगा कवर अप। हाउ मच टाइम शुड बी गिवन फॉर पेपर टू? सो पेपर टू के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने हैं डेली बेसिस पे, और पेपर वन का मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा स्टडी करने से आईज पेन होती है एंड हेडेक होता है, हाउ टू कोप अप विद दिस? तो ये भी एक इशू है, अगर मान लो आप दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके आईज पेन होती है और आपको हेडेक होता है, तो उससे कोप अप करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी पहले बता रखा है कि आपको क्या करना, चलो फिर से बता देती हूँ आपको। मान लो आपकी कैपेसिटी है 2 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने की, ठीक है, मान लो किसी का 1 घंटा या 1 घंटे से चलो आधा घंटा और ले देते हो, 1.5 आवर की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा एक प्लेस पे स्टिक नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? 10 मिनट का नैप लो, जहाँ पे आप एक मैट लगा के आराम से ज़मीन पे सोना है, आपको आईज क्लोज रखनी है और उन 10 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके 10 मिनट का टाइमर लगाना है, वरना 1-2 घंटे के लिए आप सोते ही रह जाओगे। फिर आपको बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और इस तरीके से आपकी थकान 10 मिनट में उतर जाएगी। अगर आपको
कुछ और भी ट्राई करना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 10 मिनट का लेटना ही है, नैप ही लेना, नहीं, आप चाहिए तो आप नीचे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक वॉक करके आ जाओ, अच्छा सा एक सॉन्ग सुन लो, ठीक है। इस तरीके से आप आपकी थकान को हटा सकते हो। आइस पेन अगर आपकी होती है तो जैसे ही आपका 2 घंटे के बाद में जो आप ब्रेक लेते हो, सबसे पहले आपको वॉशरूम में जाना है, आपको आपके फेस पे पानी डालना है, मतलब आपके आइस पे भी पानी आना चाहिए, कम से कम 5 to 6 times आपको ये पानी डालना है उसी टाइम पे। और उसके बाद में अच्छे से नैपकिन से उसे टैप करते हुए आपको पूछना है, और फिर आपको आके 10 मिनट के लिए लेटना है। तो इससे आपकी थकान उतर जाती है, आपके आइस पेन भी कम होता है, हेडेक भी आपका उतर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आई होप आप इसे फॉलो ज़रूर करोगे। रिविजन कब करना चाहिए? इन एवरी 2 days। क्या रिविजन का ऐसा सीन है कि रिविजन अगर आप रोज़ करोगे ना, रोज़ का रोज़, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मान लो अगर आज आपने सुबह 5 बजे से आपका दिन स्टार्ट किया है और रात के 10 बजे आपने आपका पूरा डे वाइंड अप किया है, तो रात को 10 बजे से 11 बजे तक आपने दिन भर में जो भी पढ़ाई की है उन सबको आप रिवाइज करिए और उसके बाद में सो जाओ। क्योंकि आपके ये चीज़ें जब आप सोओगे ना, तो रात को 11 बजे के बाद में भी आपके ये माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको रिविजन करना है। जो स्टडी करते हैं भूल जाते हैं क्या करें, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो उससे चीज़ें ज़्यादा याद होती है। क्या 1 महीने में नेट क्लियर हो सकता है? सो ये थोड़ा सा पॉसिबल है कि क्लियर हो सकता है, कि ये एक डाउट था जिनका एग्ज़ाम मई में है, बट उनके पास में सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो वो सिर्फ अपना 1 महीना डेडिकेट कर सकते हैं। अप्रैल में आई थिंक एग्ज़ाम है, और मई का महीना वो डेडिकेट कर सकते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे की प्रिपरेशन करते हो, तो हाँ शायद से आप क्लियर कर पाते हो आपका नेट एग्ज़ाम। तो ये कुछ डाउट्स थे जो कि मैंने आपके यहाँ पे क्लियर अप कर लिया। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, कमेंट में पूछ लेना मुझसे, फीडबैक ज़रूर देना कि कैसी लगी वीडियो आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।